मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार से बेहतरीन अभिनेता ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी थे। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार था और उन्हें अपनी प्रतिभा व सफलता का कभी गुमान नहीं रहा। 2003 में दिलीप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानो ने एक सीरियल किसे अपना कहें का निर्माण किया था, जिसके लिए उन्होंने स्वयं हर कलाकार का चयन किया था। इसी सीरियल में एक अहम किरदार निभाने के लिए दिलीप साहब ने सीरियल के निर्देशक के माध्यम से अभिनेता आनंद मिश्रा को मिलने के लिए बुलाया था। दिलीप कुमार से पहली मुलाकात में ही आनंद मिश्रा उनसे अभिभूत हो गए थे। इस पहली मुलाकात को लेकर खुद आनंद मिश्रा बताते हैं। दिलीप साहब से मेरी मुलाकात, उनके साथ ही मैंने काम किया। एक वो उर्दू सीरियल बना रहे थे तो मुझे किसी ने भेजा पृथ्वी थिएटर से, तो मैं उनके बंगले पर गया और इतने बड़े स्टार, हालांकि मुझे 2 घंटा बैठना पड़ा। जब वो ऑफिस आए, डायरेक्टर साहब ने कहा कि आपको बुला रहे हैं, मैं गया तो दिलीप साहब की शख्सियत को देख कर मैं हिल गया कि वो खड़े हुए, और खड़े होने के बाद उन्होंने मुझे आदाब किया, कहा तशरीफ रखिए। मैं बैठा, सोचा बैठूं, फिर मैंने नहीं, इतना बड़ा आदमी नहीं, सर आप तशरीफ रखिए। उन्हें बैठ गए वो, और फिर उन्होंने मुझसे आधा घंटे बातचीत की, क्या करते हैं आप, क्या किया है, उर्दू जबान कैसी, आप नुक्ते के बारे में जानते हैं, क्या पढ़ा है आपने। तो अद्भुत, मतलब ज्ञाता, ज्ञान का भंडार थे दिलीप साहब। मतलब कहते ना कि एक अभिनेता नहीं थे वो। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक कहीं वीडियो किसने शेयर किया था, हाँ विनोद पांडे जी जब BBC लंदन में थे, उन्होंने दिलीप साहब का इंटरव्यू लिया था, वो इंटरव्यू मुझे उन्होंने भेजा। तो जिस जबान में दिलीप साहब जो बातें अरबी फारसी उर्दू के अल्फाज बयां कर रहे थे, वो एक अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता, समझ ही नहीं सकता। जैसे कहूँ कि मुगले आजम फिल्म के जो डायलॉग्स हैं, आज की जो हमारी पीढ़ी है वो शायद उनका अर्थ भी नहीं समझेगी कि वो क्या कह रहा है। तो अभिनेता होने के साथ साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है।